तो भाई हम अभी आगरा होके मथुरा आ चुके हैं। मथुरा से अब हम गोकुलधाम जाने वाले हैं। ये देखिए यमुना मैया का नदी, मतलब यमुना नदी जो कहते हैं कृष्ण ने, जिसमें बाल्यावस्था में जो सब जल क्रीड़ा करते थे वहीं पे करते थे। ये देखिए ब्रिज अभी हो चुका है ब्रिज। ये पीछे देखिए बड़ा ब्रिज है। ठीक है, हम अभी गोकुलधाम पे जाते हैं और आपको कुछ बताते हैं। तो भाई ये यमुना नदी है, हम अभी नीचे आके आपको दिखा रहे हैं। देखो इस साइड पे देखो, बहुत बड़ा था। तो हम अभी गोकुलधाम जा रहे हैं। तो भाई हम अभी कृष्ण के जन्म स्थान देखने जा रहे हैं जो कि गोकुलधाम है। तो हम अभी मंदिर जा रहे हैं, अभी साइड में जा रहे हैं। ये देखिए कृष्ण की लीला करने वाला स्थान, कितना सुंदर। लेकिन अभी कचरा में भर्ती होगी, लेकिन पहले क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो भाई अभी हम राधा जी के मंदिर पे है, राधा जी ने जहाँ जन्म लिए थे। तो भाई अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। वो था श्री कृष्ण का लीला खेला करने वाला स्थान, मतलब गोकुलधाम, और यह है श्री कृष्ण का जन्म स्थान। ये देखो राधा जी की, मतलब राधा कुंड की आरती हो रही है। ये देखिए ये है राधा कुंड। अभी हम आके पहुँचे।
बहुत लोग है भाई यहाँ से गिरी गोवर्धन की परिक्रमा भी कर रहे हैं, ये देखिए। तो हम आके पहले नहाए तो नहीं, मतलब राधा कुंड का पानी लेके माथे पे सिंचन किए, उसके बाद हाथ पैर धोने के बाद यहीं पे खड़े हैं, आरती देख रहे हैं। यहाँ से कीर्तन भी हो रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, जाने की मन नहीं कर रहा है। तो जब ये हो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फिर कभी आऊँगा ज़रूर और ये सब अच्छे से रह कर देखूँगा, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ वहाँ जाने की तकलीफ हो रही है। और भाई ये ऐसी जगह है जो कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह पे मयूर है, हमारे वहाँ पे तो मयूर को देखने की नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे हर कहीं पे हम आज जो दिन भर मतलब पहले गए थे राधा के जन्मस्थान और ये आए राधा की जो राधा कुंड है, इसको कृष्ण ने अपने बंसी से खुदाई की थी राधा के लिए। तो दोनों जगह पे जाने के रास्ते में मोर देखा और इतना सुंदर, हम जंगल के रास्ते में गए, मेन रोड पे नहीं गए, क्या पता नहीं कैसे हो गया, हम तो मेन रोड जाना चाहते थे लेकिन ऐसे रोड पे आए। ठीक है भाई, तो अभी मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही देखना है, मोबाइल लेकर क्यों होता?